क्राइम पेट्रोल में श्रद्धा मर्डर केस से छेड़छाड़ का आरोप, अब चैनल ने दी सफाई। इन दिनों सच्ची घटनाओं पर आधारित सोनी टीवी का शो क्राइम पेट्रोल मुश्किलों में है। शो के एक एपिसोड को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर सोनी टीवी के बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, जिसके बाद खुद सोनी टीवी ने सोशल मीडिया पर दर्शकों से माफी मांगी है। दरअसल शो के एक लेटेस्ट एपिसोड में एक लड़की की कहानी को दिखाया गया था, जिसके पार्टनर ने उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। शो को देखने वाले दर्शकों को लगा कि क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में श्रद्धा वॉल्कर के मर्डर की कहानी को दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि क्राइम पेट्रोल में श्रद्धा हत्याकांड के फैक्ट्स को कई हद तक तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसे में दर्शकों ने अपनी नाराजगी दिखाई। बता दें कि बीते दिनों सोनी टीवी के शो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में अहमदाबाद पुणे मर्डर नाम से जो कहानी दिखाई गई थी, उसमें शादीशुदा शख्स पहले अपनी पत्नी की हत्या करता है, फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रखता है। लेकिन इसमें पात्रों का धर्म बदल दिया गया है। श्रद्धा वॉल्कर को ईसाई लड़की एना फर्नांडिस बताया गया और आरोपित आफताब अमीन पुनावाला को हिंदू लड़का मिहिर बना दिया गया। एपिसोड में आफताब की माँ को हिंदू रीति रिवाज निभाते हुए भी दिखाया गया। इसी के साथ दोनों की शादी को मंदिर में होता दिखाया गया। इन्हीं बदलावों के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला है। चैनल ने इस एपिसोड को OTT प्लेटफॉर्म सोनी लीव से डिलीट कर दिया है, लेकिन इसके बाद कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, सोनी टीवी ने क्राइम पेट्रोल में दिखाया कि श्रद्धा की हत्या एक हिंदू लड़के ने की। श्रद्धा का नाम बदलकर एना फर्नांडिस रख दिया और हत्यारे का नाम आफताब की जगह मिहिर। मंदिर में शादी भी दिखा दी। इस बेशर्मी से हिंदू बेटियों की हत्याओं पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। सागर करौतिया नाम के ट्विटर यूजर ने कपिल मिश्रा से कहा, श्रद्धा की जिस तरह हत्या हुई, उसी तरह आराधना, अंजन दास, उज्ज्वल चक्रवर्ती, जयपुर 64 साल की महिला की हत्या हुई। श्रद्धा के अलावा आप किसी के भी आरोपी का नाम नहीं जानते, क्योंकि वहां आरोपी मुस्लिम नहीं थे। तुम जैसे गधे वो है जो अपराध को धर्म के चश्मे से दिखा रहे हैं। डेविल नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, एक बार बिल्किस बानो पर भी कोई शॉर्ट वीडियो या मूवी बनाओ, जिसके बलात्कारी को फूलों की माला पहनाई जाती हो, अंधभक्तों खुशी मनाते हो, BJP माला पहनाते हो। अब इस पर सोनी टीवी ने माफी मांगी है। चैनल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ दर्शक क्राइम पेट्रोल के हालिया एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि यह एपिसोड हाल ही में हुए एक हत्याकांड से मिलता जुलता लग रहा है। हम बताना चाहते हैं कि यह एपिसोड काल्पनिक कहानी पर आधारित है। इसकी कहानी साल 2011 में हुए एक हत्याकांड से प्रेरित है। हाल के किसी मामले से इसका कोई संबंध नहीं है। हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारा कंटेंट ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। हम अपने दर्शकों की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं। अगर किसी दर्शक की भावना इस एपिसोड से आहत हुई है तो हमें खेद है, हमने इस एपिसोड को हटा दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे।